जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हमारा आज का विषय रहेगा कि हिम्मत, मेहनत, साहस, जोश और ताकत के ग्रह मंगल देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल देव प्रत्येक 45 से 50 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। लगभग कह सकते हैं लगभग 18 से 19 महीने के बाद वापस वो उसी राशि के अंदर आते हैं, लेकिन हर बार उनके फल अलग होते हैं क्योंकि हर बार उनका किसी न किसी ग्रह से संबंध बनकर उनके फलों में परिवर्तन देता है। इस बार की जो परिवर्तन होने वाला है कि मंगल शनि की मकर राशि से निकलकर, यानी अपनी उच्च राशि से निकलकर शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, यानी पहले वो शनि की राशि में थे, इस बार वो शनि के साथ होंगे। इसलिए मंगल के फलों में अंतर तो आएगा, क्योंकि तो मंगल अकेला होता तो उसके फल वही होते, लेकिन मंगल का अगर संबंध किसी से बन जाता है तो उसके फलों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले बैठे हो तो अलग है, आप किसी के साथ बैठे हो तो कुछ और प्रभाव होता है। ऐसा ही प्लैनेट है मंगल। जैसे हम शनि को, बृहस्पति को, राहु केतु को वरीयता देते हैं, तो उसके बाद चौथे नंबर पे मंगल ग्रह आता है, जिसके बिना जीवन में सभी कार्य अधूरे हैं। और अधूरे इसलिए हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत, जोश और साहस नहीं है वो अपने जीवन में पीछे रह जाता है। उसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो चीज़ों को उससे घबरा जाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। लेकिन जिनका मंगल बली होता है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेते हैं और जीवन में परिश्रम करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही मंगल ग्रह 15 मार्च 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक राशि में रहेंगे, कुंभ राशि के अंदर, जहां पर बनेगा ये मंगल शनि का योग। इस मंगल शनि के सही योग का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, ये मेरा आज का विषय रहने वाला है, जिसको बहुत ही विस्तार से मैं समझाऊंगा, जिसकी भूमिका बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे आपको देनी होंगी कि क्यों ये मंगल शनि का योग खास है, क्यों ये मंगल का गोचर खास है, या किन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, मंगल कौन है? हिम्मत, जोश और साहस का कारक ग्रह है मंगल। जहाँ पर हमें इस एनर्जी की बात होती है कि किसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो हम मंगल से लेते हैं। और वो मंगल क्या है? काल पुरुष का लग्नेश है, यानी एक मंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। जब हम काल पुरुष का लग्नेश की बात करते हैं तो हमारे मंगल के कारक तो हमारे सामने आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शनि भी काल पुरुष के दशम और एकादश का स्वामी है। अब शनि का है दशम भाव, यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, श्रम, मेहनत जो भी है वो शनि है। लाभ भाव का मालिक है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम, प्रमोशन, तरक्की, लाभ, वृद्धि, प्राप्तियां, जीवन में हमने कुछ कमाया और बचाया और सेव किया और हमें सम्मान मिला, 11वें घर से देखते हैं, यानी शनि भी उसको रिप्रेजेंट करता है। अब शनि क्या है? सहजता का कारक है, धैर्य का कारक है। अब एक तरफ हिम्मत, जोश और साहस, दूसरी तरफ धैर्य, ये दोनों जब एक साथ मिलकर काम करें, हालांकि मंगल और शनि स्वभाव में अलग हैं, एक जोशीला है, एक धैर्यवान है, लेकिन जब इनकी युति एक साथ बन जाती है तो आप ये समझिए एक ही व्यक्ति के अंदर धैर्य भी हो और एक ही व्यक्ति के अंदर अगर जोश हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल करने में सक्षम है। स्वभाव की अगर बात करें तो स्वभाव से ये दोनों प्लैनेट मैलेफिक हैं। जहाँ शनि धीरे धीरे अशुभ प्रभाव देता है, वहाँ मंगल क्विक रिजल्ट देने वाला प्लैनेट होता है। इसलिए हम मंगल शनि की युति को कहीं ना कहीं खराब स्थितियों में भी देखते हैं, लेकिन काल पुरुष का लग्नेश है मंगल और शनि दशम एकादश का मालिक है, इसलिए ये मंगल और शनि का योग धन योग भी बनाता है, राजयोग भी बनाता है। दोनों नैसर्गिक अशुभ हैं, उसका भी प्रभाव देंगे। अब इस दौरान किन लोगों पर इसका प्रभाव ज्यादा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको मंगल या शनि से संबंधित किसी भी तरीके से दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, आपका जन्म धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वा, भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको जिन ग्रहों की दशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतविषा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं, तो भी हम ये कह सकते हैं कि और लोगों के मुकाबले इसका ज्यादा प्रभाव होगा। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर ये होगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहां से आपके जीवन का कुछ नया ट्रैक डिसाइड हो सकता है। कि कभी कभी व्यक्ति जीवन में लगातार किसी चीज के लिए मेहनत करता है लेकिन उसको सही राह नहीं मिलती, सही दिशा नहीं मिलती। अब मंगल और शनि, जिसको मैंने शुरू में ही कहा कि भाई ये काल पुरुष का लग्नेश और दशमेश है, लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, लेकिन हमारे जो ज्योतिष के बेस हैं, ज्योतिष का जो आधार है वो यहीं से शुरू होता है कि सारे राजयोग, सारे धनयोग, ग्रहों की दृष्टि, शुभ अशुभ योग, सब कुछ काल पुरुष के लगन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अब मंगल और शनि जैसे ग्रह,
मंगल लगन का मालिक, शनि दशम का मालिक, यानी लगन और दशम का संबंध बना राजयोग। एकादश का मालिक तो मंगल लगन का मालिक, एकादश का मालिक शनि, तो धन योग बना। तो युति के हिसाब से ये है, लेकिन हर किसी राशि के लिए ये कितना फेवरेबल है, क्या आपको ये दे सकता है, ये हमारा आज का खास विषय रहने वाला है। तो अब हम आपको समझाएंगे आपकी राशि के अनुसार, कि हम अब तक तो उसके नेचुरल स्थिति को समझ गए, क्योंकि किसी चीज़ का आधार समझना जरूरी है कि किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब उस आधार को हम समझेंगे कि ये जो युति बनने वाली है, इसका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, कौन सा समय आपके लिए बेटर है, क्या आपके लिए इस दौरान बेहतर हो सकता है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, जिससे आपसे कोई भी अधूरी जानकारी ना छूट जाए। तो आइए देखते हैं कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। कन्या राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध के लिए मंगल को शत्रु कहा गया है, यानी यहाँ पर जो गोचर की बात हम करने जा रहे हैं वो शत्रु ग्रह मंगल है। अब आप ये देखिए कि वो शत्रु ग्रह मंगल बैठा हुआ है कुंडली के, यानी आपकी राशि से छठे घर के अंदर, छठे घर के ही मालिक शनि के साथ। मंगल तीसरे और आठवें घर का मालिक है, इन दो ही स्थानों के वे रिजल्ट देगा। पहली बात, लगन से अच्छे स्थानों का यानी राशि से अच्छे स्थानों का मालिक नहीं है और राशि का शत्रु भी है। इसलिए कहा जाता है कि शत्रु ग्रह का ट्रांजिट अगर चेंज हो और वो अच्छे भावों में पहुंच जाए तो वो नुकसान की संभावना को बढ़ा देता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नुकसान की संभावना उतनी बढ़ती नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, उसको समझिए। देखिए, तीसरा घर होता है टूर ट्रैवलिंग, यात्रा का, परिवर्तन का, स्थान परिवर्तन का, छोटी यात्राएं और ट्रांसफर का, अपने हिम्मत और साहस का। मंगल यहाँ इस भाव का ही मालिक है और छठे में बैठा है, यानी इस दौरान आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, यात्राओं से आपको लाभ होगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, साहस बढ़ेगी, आप शत्रु पक्ष के ऊपर हावी रहेंगे, आप रोग प्रतिरोधात्मक आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपके अंदर हिम्मत, जोश और ताकत बढ़ेगी। क्योंकि मंगल अष्टम भाव का मालिक होके भी यहाँ है, यानी इस चीज को समझिए, अष्टम का मालिक अगर छठे में हो और एक मैलेफिक प्लेनेट के साथ हो तो ये विपरीत राजयोग बनाता है, यानी ऐसा प्लेनेट सक्षम है आपको विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैं विपरीत राजयोग में हमेशा कहता हूँ, ये विपरीत परिस्थितियों में बनने वाला राजयोग है, यानी पहले जब आपकी विषम परिस्थितियां बनेंगी, विपरीत परिस्थितियां बनेंगी, तभी ये एक्टिवेट होगा। यानी ये बात भी कह सकते हैं कि छठे घर में मंगल की और शनि के साथ युति है, तो इस दौरान छठे घर में प्रॉब्लम है, शत्रु पक्ष एक्टिवेट होने की कोशिश करेगा, क्योंकि छठे का मालिक छठे ही घर में है और छठा घर रोग ऋण शत्रु है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा। कोई कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट अगर ये आपके ऊपर है तो उसमें प्रॉब्लम्स बनती दिखाई देंगी, लेकिन उसमें आप सफल हो जाओगे। लोग बाग कोशिश करेंगे आपको परेशान करने की, आपके ऑफिस में, आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएंगे। आपको सिर्फ धैर्य से काम लेना है, आपको उनको पलट के जवाब नहीं देना है, आपको कोई जोश दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ताकत नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि मुझे शांत रहकर वर्क करना है। क्योंकि तीसरे घर का मालिक अगर यहाँ होता है तो इस दौरान कहा जाता है कि भाई आप अपनी ट्रैवलिंग्स पर भी विशेष ध्यान दें, इस दौरान आप कोशिश करें कि जो भी वाहन आप चलाते हैं उसको सावधानी से चलाएं, नहीं तो वो कहीं चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। अब आठवें घर का मालिक अगर छठे घर में मंगल है और छठे घर के ही मालिक शनि के साथ है, तो पंचम का मालिक कहाँ गया, अष्टम में और छठे घर में, यानी ये शिक्षा का मालिक भी है और ये अष्टमेश के साथ है, तो इस दौरान शिक्षा के अंदर गलतियां होने की संभावना बढ़ती है। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अपनी शिक्षा का विशेष ध्यान रखें। आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हो सकता है इस दौरान आपको मन मुताबिक परिणाम ना मिले, लेकिन आपको धैर्य रख के अपने काम पे चलते रहना है, क्योंकि ये विपरीत राजयोग बनाता है। इसका मतलब ही है कि पहले परिस्थितियां विपरीत बनेंगी, तब ये आपको लाभ देगा। अगर छठा घर रोग ऋण शत्रु है तो 12वें घर पे दोनों प्लेनेट देखते हैं, तो 12वां घर का है खर्च नुकसान का। खर्च को संयमित करके चलें, फिजूल खर्च से आपको बचना होगा, सोच समझकर आपको धन इन्वेस्ट करना है, ये भी आपको इस दौरान ध्यान रखना होगा। क्योंकि हम पहली बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि मंगल हमारे लिए शत्रु है। अच्छी बात आपके लिए ये होगी कि 6th हाउस में आ गया, यानी आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन नहीं होने देगा, आपके आत्मबल को बढ़ाएगा, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके साहस को बढ़ाने वाला ग्रह कौन होगा, मंगल ग्रह ही होगा।
इस दौरान जितना ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की आराधना करते रहेंगे, उनके चरणों में रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल के परिवर्तन का प्रभाव। जय श्री राम।